dear students in this session we will discuss about activity number 40 of bridge course class 9th english language से ये जो एक्टिविटी है दिस एक्टिविटी इज अबाउट रीडिंग डायलॉग्स पोएम्स कमेंट्रीज ऑफ स्पोर्ट्स एंड गेम्स स्पीचेस न्यूज डिबेट्स ऑन टीवी रेडियो एक्सप्रेशन एक्सप्रेस ओपिनियंस अबाउट देम जो लास्ट एक्टिविटी थर्टी नाइन

lay her eggs and flies away as carefree as she always was leaving others birds each day to raise her chicks who growing greedy stronger takes up all the rooms and looking round throws the others poor chicks to the ground wanting all the food himself hard work said to parents working day and night there and back in endless flight until at last he she flees the nest having been raised by the best and here i always love to hear the cuckoo calling every year so this was the poem now अब इस पोएम से रिलेटेड जो एक्टिविटी वो हम देखेंगे रीड द पोएम लाउडली ये जो पोएम है आपको लाउडली रीड करना है देन गेज द बर्डेज द कुकूज एक इसमें बताया गया कि जो है एक लेजी बर्ड है जो अपने जो एग्स होते हैं अपने अंडे होते हैं उसको वो सहकता नहीं है वो लगातार जो उधर उड़ता रहता है और उसके अंडे जो कोई और दूसरे बर्ड सहकते जिससे अंडों से भी जो है वो बर्ड्स जो है वो पैदा होते हैं तो आपको बताना है कि उसके जो एक्स है वो कौन से सेकता है कौन हैच करता है कंपेयर द कुकूज सिंगिंग विद सिंगिंग ऑफ अदर बर्ड्स एनिमल्स पर्सन है ना जो कुकू की जो सिंगिंग है उसको कंपेयर करना विद अदर बर्ड्स एंड एनिमल्स और परसन्स टेल द रीज़न बिहाइंड गिविंग द नेम कुकू टू द बर्ड इस बर्ड को कुकू क्यों नाम दिया गया है उसका रीज़न क्या है वो आपको फाइंड फाइंड आउट करना है सो हैव यू हैव टू कंप्लीट

तो किसी एक बर्ड पर आप पोएम सर्च कीजिए एंड यू कैन सर्च दिस पोएम ऑन इंटरनेट ऑल्सो जैसे यहाँ पर ये कुकू पर दिए हुए तो यू कैन सर्च पोएम अबाउट पीकॉक पैरोट या और अदर बर्ड्स पर उसको आपको सर्च uh, करना है और अपनी कॉपी में uh, उसको लिखना है उसको राइट डाउन करना है लिसन साउंड्स ऑफ डिफरेंट बर्ड्स एंड एनिमल्स साथ ही साथ जैसे कुकू की एक पर्टिकुलर साउंड होती है आवाज़ होती है इसी तरीके से आपको जो अदर एनिमल्स और बर्ड्स होते हैं उनकी आवाज़ कैसी होती है उसको आपको लिसन करना है यानी ये एक नेचुरल एक्टिविटी है जो आपको नेचर से करीब कर सकती है देन गेट्स द मीनिंग ऑफ बीट्स अपॉन द ड्रम बीट्स अपॉन द ड्रम के क्या मानी होते हैं ये आपको फाइंड आउट करना है तो इस तरीके से आप ये एक्टिविटी जो है वो हल कीजिए जिसमें आपको असाइनमेंट यह रहेगा जो पहले जो क्वेश्चन दिए उसके आंसर आप लिखिए और कोई भी एक पोएम जो आपको राइट डाउन करनी है एंड यू कैन सर्च दिस पोएम ऑन इंटरनेट इस तरीके से आप ये एक्टिविटी कंप्लीट कीजिए नाउ विल मिट इन नेक्स्ट सेशन विच विल बी एक्टिविटी नंबर फोर्टी वन टिल देन गुड बाय